फारुखाबाद दबंग व गुंडों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्र ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया और इस दौरान संदिग्धों की तलाशी भी ली गई। साथ ही पुलिस को मुस्तैद रहने की नसीहत भी दी गई। एसपी लाल दरवाजे पर पहुंचे जहां से वह फ्लैग मार्च करते हुए घुमाना नेहरू रोड होते हुए रेलवे स्टेशन गए। उन्होंने जगह जगह संदिग्धों की तलाशी ली, बाइक सवार लोगों की भी तलाशी ली गई। जगह जगह उन्होंने व्यापारी व आम जनता से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। इसके लिए एसपी ने मठिया देवी के पुजारी से भी बात की और फ्लैग मार्च के दौरान ठंडी सड़क स्थित मॉडल शॉप को भी चेक किया। वहीं शराब पी रहे लोगों की तलाशी करवाई गई। महिलाओं को डायल 100 की जानकारी दी गई ताकि सभी सुरक्षित रहे। एसएसआई देवेंद्र कुमार गंगवार, प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ झाझन लाल सोनकर, प्रभारी निरीक्षक दधीवल तिवारी के साथ ही चीता मोबाइल पीएससी आदि मौजूद रहे। ये जनपद फरुखाबाद में ये पूरे शहर क्षेत्र में अच्छे फोर्स के साथ हम लोगों ने पैदल गश्त किया है यहाँ पे, और पैदल गश्त के साथ साथ जितने भी यहाँ पे सिनेमा घर थे, होटल्स, रेस्टोरेंट, मंदिर जहाँ पे महिलाओं का आना जाना था, बाकी जगह पे भी हमने चेक किया है और जनता से बात करके उनकी समस्याओं को जाना है और ये इंश्योर किया है कि जहाँ जहाँ सराफा मार्केट है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगना है उसके लिए भी उनसे बात किया है। जहाँ मंदिरों में जहाँ महिलाएं आ रही है, जहाँ महिला फोर्स की जरूरत है उसके बारे में बात करके उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और जनता से जुड़ के जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको जान के भविष्य में उसका हमको उसको दूर करते रहेंगे और जनपद को एक बेहतर पुलिसिंग देने के लिए। फारुखाबाद से ये थी मुकेश बाथम की रिपोर्ट।